इस वाले पतीले में बनाना, ये ऑन है ना, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। आप थोड़ा मुझे पानी अलग से ला के दे देंगे? I'm not cooking a chai, I'm curating it. With some love. हाँ वो मैं ही बनाता हूँ कल से नहीं। हाँ टू मेक योर स्पेशल चाय फैंटास्टिक। ये देखो ये चाहिए ना हमें, स्ट्रोक ऑफ जीनियस। सुनिए हमने आपकी चाय की बहुत तारीफ सुनी है, आपने सेट पे भी हम सबको पिलाई है, तो एक तो हमें बना के बताइए कैसे बनाएंगे, और उसके अंदर जो आप सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे उसके ऊपर? वो एक सीक्रेट स्पाई इंग्रेडिएंट है। If you tell me, you'll have to kill me. We're in Golden Temple. It's such a nice place. Okay. Let's not talk about such things. We're talking about spycraft, yeah? I am, the spycraft is to do and achieve your goals without killing anybody. Fantastic. At least try to. Kill us with love. Yes, absolutely. Yeah, that's what I'm going to try and do. So, they're badi achhi behtareen chai banane ka cooler. I hope I don't disappoint people who come to this place to drink this chai. It's already doodh pada hua hai. आज सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आप हाथ इस्तेमाल करते हैं या चम्मच इस्तेमाल करते हैं? चम्मच किधर है? चाहिए है। ये क्या डाल रहे हैं आप? स्टॉकर्स थ्रू दिस ना यार, मतलब इतना सीक्रेट मत रखिए। आई नो यू आर अ सीक्रेट एजेंट, बट बताया जा सकता है हमें चाय कैसे बनती है? ये चाय पत्ती है, चाय बनाने के लिए इट्स अ वेरी स्पेशल इंग्रेडिएंट। चीनी स्वाद अनुसार अदरक भी डालेंगे, और अदरक। What is this? It smells amazing. है ना? के लिए है क्या? ये कुछ इलायची और पता नहीं क्या क्या जैन बताने वाला है, नहीं किसमें क्या क्या है। अच्छा, don't be so secret about it. मैं secret नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ चाय पे focus कर रहा हूँ guys. जब एक spy अपना काम कर रहा होता है तो उसको चुपचाप अपना काम करने देना चाहिए, ऐसे सबके सामने वो spy है करना चाहिए। तो आप लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें, इस वक्त मैं बहुत इंपॉर्टेंट टास्क पे लगा हुआ, और अगर ये खराब बनी तो ऐसा मेरी इज्जत का कुछ। देखिए सारी दुनिया जानती है कि इनसे ज्यादा खुफिया कोई आदमी नहीं है। बिल्कुल नहीं, जो चाय भी इतने खुलेआम बना रहे हैं। बेसिकली दिस इज माय डिसगाइज, आई एम प्लेइंग इट चाय वाला। देखिए चाय का रंग मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। द मुखबीरी चाय। हां करेक्ट, द मुखबीरी चाय। Wow. It smells nice. इसका सेवन आप कौन सी तारीख को कर सकते हैं? 11 नवंबर यहाँ नहीं मिलेगी, जी फाइव पे मिलेगी। आप सकते हैं 11 नवंबर को, तब तक बन ही जाएगी। Smells nice. Can you guys at least affirm to that? Yes, it does. Yes, smell तो बहुत अच्छी आ रही है। इसका सेवन आप करेंगी बरखा? हाँ बिल्कुल। यानी हमारी प्रमोशन स्टार्ट हो गई है। तो पहला उबाल आ गया इस चाय का। करेक्ट। अब जब दूसरा उबाल आएगा यानी ट्रेलर रिलीज हो गया। करेक्ट। ये ट्रेलर रिलीज हो गया, क्या बात है, ठीक है ना। अब ये तीसरा बाल आ रहा है, इट्स गैस बंद हो गई, लेकिन अभी ऐसे मत बोलिए यार, एंटी क्लाइमेक्स था, अलाउड नहीं है। अब मैं आ गया हूँ तो गैस ऑन हो गई, कल रात को मैं आ गया और गैस ऑन। तीसरा बाल ये है, द ऑडियंस रिएक्शन, दे आर बबलिंग विद एक्साइटमेंट आफ्टर सीइंग आवर ट्रेलर, सो दैट्स व्हाट इट इज। ये थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें एक्स्ट्रा इंटरव्यूज का चीनी अच्छे से डालना प्लीज, मुझे नींबू चाय पसंद है, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा पत्ती डाल दी रंग के लिए। ये मेरा तरीका है चाय बनाने का यार, अब वो अग्री करे ना करे मेरे साथ, लेकिन आखिर में जो 11 नवंबर को आप सबको सर्व होने वाला है, इट्स गोना बी वेरी वेरी टेस्टी, एंड इट्स गोना बी इन अ कूलर, सो इट्स गोना बी देसी, सो इट्स अ देसी स्पाई, सो लुक आउट फॉर अ वेरी कूल वेब सीरीज कमिंग ऑन द 11th ऑफ नवंबर। सो लाइक Look happy about the fact that I made chai. Please. अब इन देखिए ट्रेलर आपको अच्छा लगा था, अब इसका आपको इनको मार्क्स देने हैं 1 to 10 में से। मार्क्स तो मैं दे दूँ, मैं सोच रहा हूँ ये है हिंदुस्तान के मुखबिर, मैं पाकिस्तान की
गजल सिंगर. करेक्ट. मतलब क्या पता इसमें क्या मिला कर दिया हो. पता चला ये मेरी आखिरी चाय हो मेरी लाइफ में. यार मोहब्बत मिला के दिया गया फिलहाल के लिए. बात का नहीं पता. वो लाइन ही बोल दीजिए ना. क्या मिलाते हो चाय में. क्या तुम्हारी लाइन भी है शो में. हर ओके आई गोना ट्राई इट नाउ. हां चाय पीने के बाद. हां ओह माय गॉड इट इज ब्रिलियंट. या नहीं मैं सच में कह रही हूँ. अब ना सीरियसली बहुत ही स्वाद बनी है बहुत ज्यादा. मतलब यू गॉट अ हिट चाय एंड हिट सीरीज कमिंग अप. सरप्राइज. नाउ इसको पता क्या बोलते हैं ये जो ये मैं अभी कर रहा हूँ. एक्टर सब प्रमोशंस करके सब लोग देख लेते हैं और कहते हैं अच्छा शो है. फिर बाद में वो खुद देखते हैं कहते हैं अच्छा वाकई में अच्छा था. सो दैट्स व्हाई आई एम गोना डू. नॉट बैड यार. बहुत ही अच्छी बनी एक्चुअली. मतलब बिल्कुल सही एवरीथिंग बिल्कुल सही अमाउंट में. हाँ जरा बोल दीजिए वो भी पता दीजिए. नहीं पीके बताइए जरा पहले पीके बताइए कैसी है. दैट इज माय. मतलब मेरी लाइन थी कि ये जब ज़ैन मेरे लिए हर फन मेरे लिए चाय बनाते हैं और मैं पीकर हमेशा बोलती हूँ कि क्या मिलाते हो इस चाय में. अफीम तो नहीं है. नशा एक अजीब सा नशा हो जाता है समथिंग लाइक दैट. बट वही वाली फीलिंग आ रही है एक्चुअली. सो या नशा नहीं हो जाता मोहब्बत हो जाती. मोहब्बत हो जाती. हाँ राइट. ये देखो द राइटर स्पीक्स. देखिए असल में नशा हो गया हुआ है. दैट्स व्हाई शी इज फॉरगॉटन हर लाइंस. हाँ मतलब मैंने वाकई में बहुत अच्छी चाय बनाई. यस 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 एब्सोल्युटली सही बोल. मैं तो पी लिया ना. आना नॉट बैड यार. सीरियसली नॉट बैड यार. ये ट्राई. ओह और ये आप लोगों को ट्राई करना चाहिए. अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो यू गाइस कैन आल्सो. हाँ इसका सेवन जरूर करें. 11 मेंबर को आप लोग भी आए ये चाय पिए. थैंक यू.